तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं फ्रिज निकाली हुई हूँ साफ़ सफाई के लिए, और ये साफ़ सफाई कर रही हूँ। मॉर्निंग का सुबह का 8:30 का टाइम हो रहा है और मैं अभी पहले सुबह सुबह साफ़ सफाई में ही लग गई हूँ खाना वगैरह बनाने के बाद। तो अभी दिवाली का टाइम आ गया है तो सबके घर में साफ़ सफाई चलता होगा, तो एक एक चीज़ साफ़ करनी होती है। तो देखिए, सारा सामान निकाल के मैं इधर रख दी हूँ, कुछ सामान इधर रखा हुआ है मेरा, और ये इसको खोली हूँ अभी और अच्छे से सब क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद फिर इसको सूखने के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद बाकी सबका ऑर्गेनाइज करूँगी। तो और बाकी जो इसका जो कप्पा वगैरह है, जो भी इसका पार्ट है, सब निकाल के मैं इधर रखी हुई, जो कि अभी इसको सबको धोऊंगी, धो के सुखा के पोंछ के फिर लगाऊंगी। तो एक फ्रिज निकालो तो भी पूरा दिन लग जाता है इसको सुखाने में और साफ़ करने में फिर रखने में, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो मैं सब पूरा क्लीन करने के बाद फिर आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या लगाया है, और बिल्कुल मैं साधारण तरीके से अपनी फ्रिज लगाती हूँ, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी आज कि कितने आराम से बाहर का कुछ भी सामान नहीं रहता हमारा, कुछ जिपलॉक बैग या डब्बा और डब्बा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ एकदम सिंपल सा रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे मैं रखी हूँ इसको। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा फ्रिज है पूरा क्लीन हो चुका है और मैं सामान लगा दी हूँ सब और चालू कर दी हूँ। तो ये ऊपर वाला जो ये है, इसमें देखिए, ये यहाँ पे एप्पल रखा हुआ है जो ये टोकरी में मैं रखी हूँ। उसके बाद ये देख रहे हैं डब्बा, तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट रखी हुई हूँ, जो बना के 3-4 दिन का रख देती हूँ एकदम से, सुबह सुबह मुझे अच्छा रहता है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। और ये जो देख रहे हैं, इसमें मैं धनिया पत्ता रखी हूँ, जो कि धनिया पत्ता साफ़ करके और इसमें भर के रख देती हूँ, जो ख़राब जल्दी नहीं होता है, इसकी वजह से मैं इसमें रखी हूँ। उसके बाद आते हैं नीचे वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जी ली हूँ वो रखी हूँ, ये टोमेटो है, करेला है, फुलवर है, ये जो सब्जी ली हूँ मैं वो रखी हूँ। और ये डब्बा जो मेरा देख रहा है, इसमें मैं हरी वाली मिर्ची रखती हूँ, तो इस ये भी डब्बा में रखती हूँ, क्योंकि डब्बा में रहने के बाद ख़राब नहीं होता है। और अभी ये नीचे वाला पार्ट खाली है, क्योंकि इसमें मैं दूध वगैरह रखती हूँ या कुछ खाना वगैरह बच जाता है तो मैं रखती हूँ, लेकिन अभी दूध मेरा गर्म है इसके वजह से मैं नहीं रखी हूँ, ठंडा होने के बाद रात में रखूँगी, और खाना वगैरह भी कुछ बचा नहीं है, तो ये मेरा अभी खाली है सेक्शन। और उसके बाद आते हैं इसमें नीचे में जो बॉक्स वाला पार्ट होता है, तो ये बॉक्स वाले पार्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छोले रखे हुए हैं। उसके बाद देखेंगे तो ये कुछ राजमा है, ये मूंग है, मूंग है, उसके बाद ये मटर है, पीला मटर आता है वो है। तो इसमें जो भी देखेंगे आप, दाल रहता है वो सब इसे पूरा भरा रहता है। और आपको पहले बता दूं कि ये जो है ये सेक्शन में ये सब मैं क्यों रखती हूँ फ्रिज में, तो ये सब मैं इसमें रखती हूँ, जिसके वजह से क्या होता है कि इसमें कीड़े वगैरह नहीं रखते हैं, सालों साल चल सकते हैं आपके, इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। आप लोग अजमा के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मैं वो सेक्शन उसी लिए रखती हूँ जिसमें उसमें मैं सारा सामान रखती हूँ, जो भी दाल वगैरह हो, तो मेरे ख़राब नहीं होते हैं, वो 2 साल रह जाए 3 साल रह जाए ख़राब नहीं होता है। उसके बाद इधर आते हैं, तो मैं चीज़ बटर जो भरती हूँ राशन में लेती हूँ वो है। इस वाले पार्ट में आ जाए तो हींग, कुछ फूड कलर्स वगैरह है, ये अपना बेकिंग पाउडर वगैरह है। उसके बाद इस सेक्शन में आप देख सकते हैं, तो ये नींबू है। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में, तो इसमें जो सॉस वगैरह है वो सॉस वगैरह मैं इधर रखी हूँ, और चटनी वगैरह है, और ये पीनट बटर है वो इधर मैं रखी हूँ। उसके बाद नीचे वाले में आ गए, तो इसमें पानी का बोतल 1-2 रहता है, अभी नहीं है, अभी मैं सब साफ़ करके बाहर रखी हूँ उसके वजह से। और इसमें करी पत्ता रखा हुआ है, ये भी पिसी हुई पैक करके रखी हूँ कि ख़राब नहीं होगा प्लास्टिक में। और सबके नीचे मैं ये प्लास्टिक बिछा दी हूँ, जिसके वजह से कुछ गिरता है तो मुझे बार बार डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं ऊपर का प्लास्टिक साफ़ कर देती हूँ तो मेरा क्लीन हो जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये मैं ऑनलाइन परचेस की हुई हूँ, ये देखिए इस तरह से बोर्ड है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सब मैं ऑनलाइन परचेस की हुई हूँ। तो यही इधर देखिए सब क्लीन हो चुका है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का फ्रिज कुछ इसी तरह से होता होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ सामान नहीं रहता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।